हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल नैना बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर सिखाने वाले हैं पैंट की कटिंग किस तरह करें। और दोस्तों, जो इसमें भी मेन टॉपिक है, काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं कि आप हिप का फार्मूला बताएं। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी पैंटों में यहाँ बताया है कि आप अपनी हिप का चौथाई रख लें लटक उसकी, ठीक है। जो भी आपका हिप हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चौथाई भाग कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत, यानी आपके चैनल पे बहुत जल्दी यहाँ पर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारा साथ नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइकन के निशान पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कल को कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है, ये लिया है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैंट का कपड़ा इतना ही आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से, ठीक है, ये सीधा करने के लिए। अब हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हमें यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों हमें यहाँ चाहिए गुनिया फंटी, एक चाहिए स्केल और यहाँ पर एक चाहिए शेप फंटी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले आपको बताते हैं इसका मेजरमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी लंबाई है पैंट की, वो है 38.5 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 38 इंच, रान यानी थाई वो है 23 इंच, मोरी 15 इंच, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पैंट को कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नाप को उठा के यहाँ रख देते हैं और हमें अपना इंची टेप लेना है। इंची टेप के बाद जो हमने ये वाला निशान लगाया है, ठीक है, इस निशान से अब हमने कैसे लगाया वो भी हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है, और यहाँ पर निशान इस तरीके से लगा लिया है। जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है उसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद में हमें 1 इंच, जो हम बेल्ट हमारा ऊपर लगता है उसके लिए, हम यहाँ पर 1 इंच निकाल देंगे ऊपर को और यहाँ पर लंबाई का निशान लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पैंट की लंबाई है वह 38.5 इंच और हम यहाँ पर 2.5 इंच हम रख देंगे मोरी में फोल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ आ गई लटक, यानी कि हिप। अब हम आपको बता दें कि हिप क्या होती है, बहुत से पूछते हैं हिप क्या होती है। तो दोस्तों रुकिए, हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमारी ये हिप है, ठीक है, यहाँ पर हमें नापना है इस तरीके से ये चीज़, ठीक है। इसको यहाँ ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ज़्यादा लूज रखना है, फिट नापना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम, ये हिप हो गई हमारी। अब इसका हमें चौथा ही भाग करना है अपनी पैंट की लटक का। तो दोस्तों ये हिप है, मैंने आपको बता दी हिप कैसे कहते हैं, काफ़ी लोग की कमेंट्स आती हैं कि हिप क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे लंबाई का निशान लगा दिया, अब हमें लगाना है लटक का निशान। तो दोस्तों, हमारी हिप यहाँ पर है वो है 38 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर लगा लेंगे इस तरह, जैसे हमने लंबाई का निशान लगाया था, तो यहाँ पर हम 38 का चौथाई भाग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया 9 चौक 36 37 38, यानी 9.5 इंच, ठीक है, 9.5 इंच हो गया, ये बिल्कुल फिक्स आएगा। हमने यहाँ जो निशान लगाया है इस पर हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं इस तरीके से। और हमारी कमर है वो 30 इंच है, तो हम यहाँ 30 इंच लिख देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर 2.5 इंच रखना है पॉकेट का मुँह का साइज़, और यहाँ पर लंबाई जो रखना है वो रखना है 7.25 इंच, ठीक है। और हम यहाँ पर लगा देंगे एक निशान, ये हमने निशान लगा दिया। उसके बाद में नीचे हमें यहाँ मोरी पर निशान लगाना है, उसके बाद में यहाँ पर हमें थाई रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी थाई जो है वो 23 इंच है, तो 23 का हाफ कर लेंगे, तो 11 × 22 23, यानी 11.5 इंच, ठीक है। 11.5 के बाद में हमें रखना है 2.25 इंच, और यहाँ पर जो हमें यहाँ पर हल्की गोलाई देना है, तो हमें इस शेप फंटी से यहाँ पर हल्की सी गोलाई देना है इस तरह। गोलाई यहाँ पर दे दी, उसके बाद में हम 0.5 इंच देंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हमारी जो कमर है वो है 30 इंच, तो हम 30 का चौथाई कर लेंगे, 30 को भी हमें 4 भाग में कर लेना है। तो दोस्तों, ये हो गया 7.5 इंच। 7.5 के बाद हमें यहाँ पर 0.5 इंच देना है मार्जिन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इस पर निशान लगा देंगे, और 0.5 इंच हम यहाँ पर सामने को डाउन करेंगे नीचे को, और यहाँ पर दे देंगे गोलाई इस तरीके से। यहाँ पर लगाएंगे एक निशान जहाँ से हमारी फलाई लगेगी, ठीक है, ये कट का निशान है।
अब दोस्तों हमें क्या करना है, जितना हमें ऊपर लगाया था थाई का निशान वैसे ही हमें लगाना है नीचे, क्योंकि हमें अपनी मोरी लेना है सेंटर में। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 23 का हाफ, 11.5, और 11.5 का जो हाफ हो गया वो हो गया 6.25 इंच। ठीक है, तो ये 20 सेंटर का निशान है हमारा ये वाला। ठीक है, आप चाहें तो इसे पूरा भी उठा सकते हैं निशान को, मगर मैं यहाँ पूरा नहीं उठाऊंगा। यहाँ पर मुझे अब इसके बीच में मोरी निकालना है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी यहाँ मोरी है 15 इंच, तो हम 15 को यहाँ पर कर लेंगे, 15 का हाफ बीच में 4.25 इंच। ठीक है, यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच पे, 7.5 इंच पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मोरी हो गई वो गई 15 इंच। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे निशान लग गया। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में और हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। ठीक है, आपको इस स्केल से यहाँ पर शेप फंटी से यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगा लेना है इस प्रकार। इसी तरह फंटी को पलटेंगे और इधर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कपड़े पे अपने सामने को बिछा लिया है। ठीक है, जहाँ हमने यहाँ से सामना कटिंग करा था तो ये वाली साइड है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर इस स्केल से जो हमारी लंबाई वाला निशान है यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, यहाँ पर हाई वाला है लटक वाला। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें अपने सामने से ऊपर बैक कितनी उठाना है, तो दोस्तों ये उठाना है हमें 1.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पर निशान लगा देंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे मार्जिन का 0.5 इंच का। उसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी कमर का चौथाई रखना है, 7.5 इंच हो गया 30 का। उसके बाद में 1 इंच हमें रखना है यहाँ प्लेट के लिए, जो पीछे प्लेट होती है। ठीक है, जो दोनों बैक पल्लों में प्लेट डाली जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे सीट की जुड़ाई के लिए। यहाँ पर हमारी जो हिब है यहाँ पर निशान लगाना है हमें बीच में। ठीक है, लटक के, तो हिब है हमारी वो है 38 इंच, तो हमें यहाँ लेना है 38 का चौथा भाग, 9.5 इंच। ठीक है, इस पे भी हम यहाँ निशान लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम ये वाला निशान उठा लेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमारा बैक पल्ले का जो बीच का सेंटर है यानी कि ये वाला, और यहाँ मार्जिन के अंदर अंदर का जो सेंटर है इसके बीच में हम नाप लेंगे, तो 7.5 हो गया। ठीक है, तो इसका हाफ ले लेंगे, वो हो गया हमारा यहाँ पर 4.25 इंच। ठीक है, 4.25 के बाद में यहाँ पर हमें प्लेट की लंबाई का निशान डालना है, तो दोस्तों डालना है 3 इंच का। तो उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से निशान दे देंगे और यहाँ पर हम इस प्रकार निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर 1 इंच देना है ना प्लेट का, हमने मार्जिन 1 इंच का छोड़ा है, तो हम यहाँ पर 0.5 इंच को इधर लगाएंगे और 0.5 इंच यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपना मार्किंग कर सकते हैं, जिससे हम जो प्लेट डालें तो हम इसी निशान पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा निशान हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमें बैक पॉकेट जो बनाना है, ठीक है, वो हमें 3.75 इंच नीचे रखना है लटक, और यहाँ पर आप ये निशान लगा सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वजह से। तो हमें यहाँ पर पॉकेट की जो लंबाई का साथ रखना है साइज़, वो रखना है 4.25 इंच, तो इस बीच में लेना है बिल्कुल, यहाँ पर 4.25 पर लगा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। अगर आपकी एक पॉकेट बनना है तो आप यहाँ पर 1 लिख दें, अगर आपकी 2 पॉकेट बनना है तो आप यहाँ पर 2 बना सकते हैं, जिससे कारीगर समझ जाए बनाने वाला। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद में सबसे नीचे हमें यहाँ पर मोरी के लिए इस सामने से बैग में रखना है 1.25 इंच। ठीक है, आपकी मोरी जो भी हमने 15 इंच बिल्कुल फिक्स आएगी सिलने के बाद में, बशर्ते आपको यहाँ पर मार्जिन लेना है केवल 0.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 0.5 इंच लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या नाम है, ये इसकी ऊपर जो लूजिंग देना है सामने से बैग में, वो देना है 2.25 इंच, बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने सामने में निशान लगाए थे उसी तरह हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा वाला निशान है जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है,
मतलब अगर आपकी यहाँ पर थाई अगर टाइट हो जाती है तो आप यहाँ से लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर निशान बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो दोस्तों आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।